राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र सिंह नांदू की देखरेख में अजमेर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित हुई और इसमें अध्यक्ष पद पर नवीन शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर सौरभ बजाड़, कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर वाई के खन्ना और सचिव पद पर गुंजन शर्मा मनोनीत हुए। पत्रकारों से बातचीत में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव नांदू ने बीसीसीआई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और इसे राजस्थान के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी जोशी पर भी तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा और सीपी जोशी को अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। अजमेर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव जिनको कि 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे थे वो आउट हुए और आपके सामने जितनी भी कार्यकारिणी है वो निर्विरोध निर्वाचित हुई। तो मैं राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव होने के नाते मेरे साथ ही जो 33 जिला क्रिकेट संघ है उसमें से एक इकाई अजमेर जिला क्रिकेट संघ के जितने भी निर्वाचित पदाधिकारी हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये आशा भी करता हूँ कि आने वाले जो 4 वर्ष हैं वो अजमेर जिला क्रिकेट संघ के लिए अमूल्य रहे और यहाँ की क्रिकेट प्रतिभाएं हैं वो आगे आए।